ने जब मेरी जवानी देखी तो उनके भी मन में मुझे पाने की वो तड़प पड़ने लगी। और फिर एक दिन मेरे ससुर ने मेरे साथ जो किया तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बीच क्या क्या हुआ उस रात। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मेरी देसी कहानी का पूरा मजा लीजिए। ये बात 2 साल पहले की है। मेरी शादी के समय मैं काफी पतली स्लिम थी, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरे शरीर में बदलाव आ गया, जैसा कि हर औरत के अंदर आता है। घर पर सिर्फ मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे ससुर ही रहते हैं। मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनकी उम्र 52 साल के करीब है, मगर वो दिखने में किसी 45 साल से ज्यादा नहीं लगते। जहाँ तक मेरी शादीशुदा लाइफ की बात है, वो तो वैसे ठीक तो चल रही थी, पर मेरे पति मुझे ज्यादा देर तक खुश नहीं कर पाते। वो जल्दी थक जाते थे। मैं चाहती थी कि वो ज्यादा करे। मैं हमेशा बेचैन रहती थी। मैं अपने पति से उम्मीद करती थी कि वो मुझे ज्यादा समय तक खुश कर पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। ये केवल मेरी एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी, इसलिए मैं निराश थी। मैं भला अपने आप को कब तक रोक के रखती और कब तक ऐसे ही मन को शांत रख पाती। मैं सोचती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे सुख दे सके। एक दिन मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने ससुर के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए गई। मैं झाड़ू लगाते हुए अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। उस समय मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो। मैं उनके कमरे में झाड़ू लगाने में बिजी थी। मेरी साड़ी थोड़ी बिखरी हुई थी, जिससे मेरी कमर के नीचे का सब कुछ नजर आने लगा था। मुझे पता नहीं था कि मेरे ससुर उठ चुके थे। जब मैंने उनकी तरफ अचानक से देखा तो वो मेरी कमर को ही ध्यान से ताक रहे थे। मैं उनको देख के शर्मा गई, जल्दी से झाड़ू करके दूसरे रूम में चली गई। लेकिन तब तक ससुर ने मेरी जवानी की झलक को देख लिया था। ससुर की नजरें अब मुझ पर ही टिकी रहने लगी थी। उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे मुझे पाना चाहते हो।